दोस्तों आज मैं आपको एक हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, यूजफुल है। ये हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी आपको नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच को दूर करने और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच को अपने माइंड में रखने के लिए इंस्पायर करेगी। सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग में वो शक्ति है जो आपके किसी भी गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। आज की स्टोरी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, छोटा हो या बहुत ज्यादा उम्र दराज, सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्टोरी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की हर एक इंसान को जरूरत होती है। तो दोस्तों कहानी का आगाज करते हैं। एक स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक टीचर को बुलाया गया। बच्चे बहुत खुश थे कि आज कुछ अच्छा संदेश, कुछ गुड मैसेज सीखने को मिलेगा। तभी टीचर ने क्लास में प्रवेश किया। उस क्लास में दो ब्लैक बोर्ड लगे हुए थे। टीचर ने क्लास में आते ही एक ब्लैक बोर्ड पर बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना दी और दूसरे को ऐसे ही साफ रहने दिया। सभी बच्चे सोच में पड़ गए कि आखिर यह टीचर कर क्या रहे हैं। तभी टीचर ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे एक कागज दिया जिस पर इंस्पिरेशनल मैसेज लिखा हुआ था। अब उस बच्चे से टीचर ने उस इंस्पिरेशनल मैसेज को साफ वाले ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कहा। बच्चे ने वह संदेश ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। अब टीचर ने दूसरे बच्चे को बुलाया और कहा, इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए संदेश को तुम पढ़ो। बच्चे ने उस संदेश को पढ़ दिया। अब सभी बच्चों को यह संदेश पढ़ने को कहा गया, तो सभी बच्चों ने एक एक साथ उस संदेश को पढ़ दिया। अब टीचर ने फिर से एक बच्चे को बुलाया और वही संदेश अब उस बोर्ड पर लिखने को कहा जिस पर बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी हुई थी। तब वह बच्चा उस संदेश को लिखने से पहले उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को मिटाने के लिए आगे बढ़ा। टीचर ने तुरंत उसे रोका और कहा, इन लकीरों को मिटाए बिना इस संदेश को बोर्ड पर लिखो। तभी कई बच्चे एक साथ बोले, यदि यह संदेश बोर्ड पर लिखा गया तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। टीचर बोले, इस संदेश को जब पहले बोर्ड पर भी लिखा गया तब तो आप सभी ने पढ़ लिया था, तो अब क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। तब एक बच्चा बोला, वह बोर्ड तो साफ था लेकिन इस बोर्ड पर बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी हुई हैं। यदि संदेश को इस पर लिखा गया तो यह इन लकीरों में ही मिल जाएगा और कोई भी इसे पढ़ नहीं पाएगा। तभी टीचर मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं आज आपको समझाने आया हूँ। यही मेरा आज का मोटिव है और यही मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि इतनी छोटी सी बात से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तभी टीचर ने बच्चों को बताया, जिस तरह टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के बीच एक सुंदर संदेश लिखने से वह टेढ़ी मेढ़ी लकीरों जैसा हो जाता है, उसी तरह यदि आपके मन में इधर उधर की फालतू की बातें होंगी अर्थात नेगेटिव थिंकिंग होगी, तो आपके टीचर्स आपको कितना भी अच्छा पढ़ाएं या अच्छी अच्छी बातें बताएं, तो वह अच्छी बातें गुड थिंग्स भी आपके दूषित मन में पहुंचकर उस नेगेटिव थिंकिंग जैसी ही हो जाएंगी और उन अच्छी बातों का आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद टीचर बोले, यदि आपका मन, आपका माइंड पहले वाले बोर्ड की तरह साफ अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और उसमें कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं भरी हुई है, तो प्रत्येक अच्छी बात आपके मन पर इस तरह साफ साफ दिखेगी कि वह आपका चरित्र कैरेक्टर बन जाएगी और आप अपने जीवन में सफलता, सक्सेस इन लाइफ प्राप्त कर सकोगे। अब बच्चों को सफलता के लिए वह संदेश, मैसेज ऑफ सक्सेस मिल चुका था, जिसे अपनाकर वह अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर अगर बहुत सारी लकीरें, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग्स अगर लिखी हुई हो तो हम एक पॉजिटिव संदेश नहीं लिख सकते। तो फिर सोचिए कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हम जो हर बात में नेगेटिव सोच ले आते हैं, हर बात में नेगेटिव ही सोचते हैं, तो फिर कैसे हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, कैसे हम सक्सेस की तरफ पहुंचेंगे, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस को ला पाएंगे। जब हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिविटीज होंगी तो हम सक्सेस को किसी भी तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय अगर हम पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो हम मनचाही मंजिल पा सकते हैं। दोस्तों ये प्रेरणादायक कहानी यानी कि हिंदी स्टोरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी को इससे सफलता का एक मंत्र, एक सक्सेस मंत्र और एक प्रेरणादायक संदेश, मोटिवेशनल मैसेज सीखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या तो यदि हम अपने माइंड को बोर्ड की तरह मान ले और टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को यदि नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग की तरह मान ले, तो हमें यह संदेश मिलता है कि जब तक हम अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग को नहीं मिटाएंगे, उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को नहीं मिटाएंगे, तब तक बेस्ट मैसेज भी माइंड में पहुंचकर नेगेटिव थिंकिंग जैसा ही बन जाएगा। हम कोई अच्छी भी चीज सोचेंगे तो हमें वो नेगेटिव ही दिखाई देगी, जब तक हम अपने दिमाग में से नेगेटिविटी को मिटाते नहीं हैं। इस तरह नेगेटिव थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच रहकर या अच्छी बातों को पढ़ने और सुनने के बाद भी असफल, अनसक्सेसफुल रह जाता है
और वो किस लिए रह जाता है? क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग के अलावा कोई बात ही नहीं होती। वो कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं, और नेगेटिव थिंकिंग इंसान को इस तरह से कर देती है कि उसका बनता हुआ काम भी वो खुद बिगाड़ लेता है अपने ही हाथों, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझसे ये होगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से मिटा दे तो खुद ही उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, और अब वह किसी भी अच्छी बातों को ठीक वैसा ही ग्रहण कर सकता है जैसा वो है। यानी कि वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थिंकिंग उसकी हो जाएगी। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाओगे तो यदि आपका माइंड नेगेटिव विचारों के कारण यदि उससे सही से समझ नहीं पाएगा तो वह लक्ष्य पाने के लिए सही से कार्य भी नहीं कर पाएगा। आपको जरूरत है तो बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से भरना, तभी वह लक्ष्य के लिए क्लियर पिक्चर बना पाएगा। अब वह जो भी लक्ष्य हो, जो भी गोल हो, बनाए और उसमें सफलता प्राप्त कर ले। सफलता प्राप्त करने का मंत्र अब आपके हाथों में है कि आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी जितनी अच्छी आपकी सोच होगी। भगवान भी कहता है ना कि अच्छा सोचो तो अच्छा मिलेगा, उसी तरह ये रोल भी यही कहता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग से हमारे आसपास की हर अच्छी चीज भी हमें बुरी लगने लग जाती है। हर ऐसी चीज जो हमारे भले के लिए और हमें हमारे नुकसान की दिखती है, ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर एक डर पैदा कर देती है। नेगेटिव मतलब होता ही नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब एक भय, एक खौफ कि कहीं ऐसा ना हो जाए। नेगेटिव सोचने वाला इंसान कभी भी पॉजिटिव डिसीजन ले ही नहीं पाता, क्योंकि नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरी पड़ी होती है। नेगेटिव के चलते वो हमेशा हर चीज को उल्टा ही सोचने लग जाता है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप पहले से ही अगर नेगेटिव थिंकिंग बना लोगे तो आप उसको खरीद कर भी सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर पाओगे और आप उसको खरीद कर पछताओगे। इससे बेटर यह है कि आप कोई चीज़ खरीदे तो ये सोचें कि हाँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, और पॉजिटिव थिंकिंग में लें तो आप उस चीज़ का सही यूज़ भी कर पाओगे और उससे आप सेटिस्फेक्शन भी ले पाओगे। क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको अंदर से, खुद के अंदर से ही कहीं ये आवाज़ ना लग जाए कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें वैसा हो सकता है। अच्छा सोचें और अच्छे कार्यों में अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि अच्छे कार्य करने से ही पॉजिटिव थिंकिंग का एहसास हमें हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बुरे कार्यों में पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाएंगे तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। आप अच्छे कार्य कीजिए, सीधी लाइन पर चलिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक ऐसी राह पर ले जाती है जहां पर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके पास सारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपके आसपास सब सकारात्मक होगा, तो खुद ब खुद आपको अपना लक्ष्य साफ नजर आएगा। तरह तरह के पॉजिटिव आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और आपको वो आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे की ही आशा करें। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कम से कम अपने 10 फ्रेंड तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।